मुरादाबाद जनपद के मुड़ा पांडे थाना क्षेत्र में आवारा पशुओं से किसान बेहद परेशान है। एक तरफ बारिश ने पहले ही गरीब किसानों की कमर तोड़ रखी है, तो वहीं दूसरी ओर आवारा गौवंश पशु किसानों के जख्मों को हरा कर रहे हैं, किसानों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आवारा पशुओं को पकड़वाने के लिए आगे आने से कतराते हैं। आपको बता दें कि मुड़ा पांडे थाना क्षेत्र के अंतर्गत लगने वाली रुंडा झुंडा चौकी क्षेत्र में आवारा पशुओं से फसल को बचाने के लिए खेत की रखवाली कर किसान संघर्ष करते चले आ रहे हैं, लेकिन किसानों की पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं। वहीं दूसरी ओर आवारा पशुओं को पकड़वाने का बीड़ा आरटीआई एक्टिविस्ट शहनवाज खान ने उठाया और आवारा पशुओं को पकड़वाने की शिकायत कमिश्नर तक की गई। इसके बाद आवारा पशुओं को पकड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई। वहीं आवारा पशुओं की शिकायत बीडीओ मोड़ा पांडे से लेकर एसडीएम तक की गई और मदद का दिलासा भी दिया गया, लेकिन बेसहारा पशुओं से निजात नहीं मिल सकी है। जिसके बाद आरटीआई एक्टिविस्ट शहनवाज खान ने शनिवार की देर शाम मंडलायुक्त आंजनेय कुमार को बेसहारा पशुओं की समस्या से अवगत कराया। मंडलायुक्त ने शीघ्र ही समस्या से निजात दिलाने के लिए आश्वस्त किया है। कमिश्नर की सख्ती के 36 घंटे से पहले ही सोमवार को आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान चलाया गया। सोमवार की दोपहर तक ग्रामीणों की मदद से एक दर्जन पशुओं को पकड़कर नाजरपुर गौशाला भिजवा दिया गया, जबकि क्षेत्र में अभी भी आवारा पशुओं का आतंक चरम पर है। आवारा पशु अभी भी जंगल में एक दर्जन से अधिक घूमते दिखाई दे रहे हैं, जिससे क्षेत्रीय किसान परेशान हैं। प्रथम शिकायत खंड विकास अधिकारी से की थी, लेकिन वहां से कोई समाधान नहीं हुआ। जिसके बाद मैंने फोन के माध्यम से एसडीएम साहब को अवगत कराया। एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया कि इन्हें मैंने बीडीओ साहब से कह दिया है, जल्दी इन्हें पशुओं को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन वहां से कोई समाधान नहीं हुआ। जिसके बाद मैंने शनिवार की देर शाम कमिश्नर साहब से शिकायत की इसके बारे में, तो कमिश्नर साहब ने शीघ्र ही मुझे आश्वासन दिया कि जल्द ही इन आवारा पशुओं को पकड़वा लिया जाएगा। हालांकि कमिश्नर साहब की सख्ती के बाद 36 घंटे से पहले पशुओं को पकड़वा लिया गया है, लेकिन वहां पर ब्लॉक से कोई भी अधिकारी नहीं आया। ग्राम प्रधान और रोजगार सेवक की मौजूदगी में ग्रामीणों की मदद से पशुओं को पकड़वाया गया है, जिसमें 12 पशु आवारा थे और 3 पशुओं को ग्रामीण अपने घर से लेकर आए थे। लगभग कुल मिलाकर 15 पशु पकड़े गए हैं और अभी भी एक दर्जन से अधिक पशु जंगल में घूम रहे हैं। तो आपकी आगे क्या मांग है वो जो पशु रह गए हैं? मेरी प्रशासन से यही मांग है कि जो पशु अभी रह गए हैं, किसानों की हित में देश विचार सोचते हुए आवारा पशुओं को जो बचे हुए हैं उन्हें भी तत्काल पकड़ लिया जाए, किसानों को जिससे राहत मिलेगी। क्या क्या नुकसान कर रहे थे पशु? पशुओं से खासकर गेहूं की फसल गिरी हुई थी बारिश के कारण, उससे सर्वाधिक गेहूं की फसल नुकसान था, गिरी हुई थी पहले से ही और उसमें पशु दौड़ रहे थे, जिससे गेहूं की फसल को नुकसान ज्यादा हो रहा था। ग्रामीणों ने बचे पशुओं को भी पकड़ने की मांग की है। देखना होगा कि प्रशासन कब तक बचे हुए आवारा पशुओं को पकड़वाने में कामयाब होता है या नहीं, ये अपने आप में एक सवाल है।